लेवल पे है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा शख्सियत का हाथ है जो कि है मंजू दीदी। तो आज हम लोग लकी हैं कि हमें उन्हें सुनने का मौका मिला है। आज वो अपनी लाइफ के जितने भी एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ शेयर करेंगे। और मैं चाहूंगी कि अभी भी जिन लोगों ने जिनको कॉल किया था या जिनको मैसेज किया था और वो टीम ज्वाइन नहीं हो पाए हैं, एक बार फिर से आप उनको कॉल कीजिए, क्योंकि आज का टाइम बहुत लकी है और आज जिन्हें हम सुनने वाले हैं तो वो भी एक महान शख्सियत है जिसको हम सुनेंगे। तो मैं नहीं चाहती कि हम इससे वंचित रह जाएं, हमें उनको सुनना है, हमें उनकी बातों को अपने जीवन में लागू करना है और आज हमें भी आगे अपनी टीम का रोल मॉडल बनना है, आज हमें भी अपने हस्बैंड का सपोर्ट करना है, आज हमें भी हम भी चाहते हैं कि कल को हमारे हस्बैंड एक बड़े लेवल पे जाएं, तो हस्बैंड के साथ, क्योंकि जब शादी हो जाती है ना तो किसी और का नाम आए ना है, हस्बैंड के साथ भले अच्छा काम हो जैसे भी हो तो वाइफ का नाम जरूर आता है। तो वैसे ही आज जय सर स्टार रूबी जैसे लेवल पे है और कोर लीडर में है तो मंजू दीदी का बहुत बड़ा रोल है उसमें, तो आज हम उनको सुनेंगे। और आप सबके वार्म वेलकम के साथ, आप सबके जोरदार तालियों के साथ, अपने अपने सीट पे बैठे हुए जहां पे भी आप लोग बैठे हो, आप लोग हूटिंग कर सकते हो, आप लोग तालियां बजा सकते हो, आप लोग सीटियां बजा सकते हो, आप जो करना चाहे वो कर सकते हो। तो आप सब लोगों की तरफ से मैं दिल से हार्टली वार्म वेलकम करती हूँ फायर लीडर मिसेस मंजू जैन रायन कुकना का। वेलकम दीदी, आइए। वेलकम मैम, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रीति, बहुत ही शानदार तरीके से आपने पहले सभी का वेलकम किया था और उसके बाद ममता नेगी जी ने बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत जोरदार प्लान दिखाया, मजा आ गया देख के मेरे को। और थैंक यू आप लोगों ने इतने प्यार से मेरे को इनवाइट किया, आप जैसे खूबसूरत और मुस्कुराते हुए चेहरों से मिलके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं आज आप लोगों के बीच में आई हूँ, अपने जय सर को बहुत बार सुना है, हमारी स्टोरी भी उनसे बहुत बार सुनी है, लेकिन आज मैं वही स्टोरी अपने मुंह से सुनाना चाहूंगी। हो सकता है थोड़ा सा अंतर हो सकता है उससे आपको थोड़ी सी मोटिवेशन मिले कि लेडीज के लिए किस तरह के चैलेंजेस इस बिजनेस में रहते हैं और किस तरह से वो सपोर्ट कर सकती है इस बिजनेस को। तो शुरुआत में 2002 जून 2002 में हमारी शादी हुई थी और शादी के जस्ट बाद थोड़े टाइम बाद सर ने आरसीएम ज्वाइन किया था। जब शादी हुई थी उससे पहले मेरे पापा इंजीनियर थे और जय सर के पापा किसान थे, जमीन जायदाद बहुत अच्छी थी और उसी को देख के पापा ने ये रिश्ता किया था। जय सर की एक भतीजी है जो आज फर्स्ट ग्रेड वो टीचर है और वाइस प्रिंसिपल का पद संभाल रही है। वो कहती थी कि आपके पापा ने ऐसा क्या देखा कि एक इंजीनियर ने अपनी बेटी एक बेरोजगार को दे दी। उस टाइम सर ने LLB कंप्लीट की थी अपनी और प्रैक्टिस शुरू की थी कोर्ट में, तो इनकम के नाम पे उस टाइम कुछ था नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस शुरुआत किसी वकील के अंडर सीख रहे थे। तो वो उस टाइम लगता है कि किस्मत जहां ले जाती है वहां इंसान जाता है। तो हमारी शादी हुई, शादी के जस्ट 2 या 2.5 महीने बाद अगस्त में सर के जीजा जी ने इनको RCM ज्वाइन करवाया और इनको फोन किया कि मैंने तेरा फार्म भर दिया है RCM में और तुझे ये करना है और 9 सितंबर को रायसी नगर में BC सर की मीटिंग होने वाली है, वो मीटिंग तुझे अटेंड करनी है। तो ये गए कि मैंने एक बिजनेस ज्वाइन किया है और जीजा जी ने फार्म भर दिया तो मैं सुन के आता हूँ क्या है उस मीटिंग में। लेकिन जैसे ही ये मीटिंग से वापस आए, ये वो नहीं थे जो गए थे, कुछ अलग ही थे। और इन्होंने कहा कि मुझे एक बिजनेस मिला है और मैं ये करूंगा। मैं हैरान, मैंने कहा अभी हमारे पास इनकम के नाम पे कुछ है नहीं और वकालत आप सीख रहे हो तो हमें इसी में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मैंने भी जय सर को देख के और LLB में एडमिशन लिया था कि दोनों मिलके वकालत करेंगे और अपनी जिंदगी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सर ने कहा कि नहीं, मुझे ये करना है RCM बिजनेस। तो नई नई शादी थी तो मैंने कहा चलो करो। लेकिन जब शुरुआत में ये होता है कि मेहनत हर काम में करनी पड़ती है, कोई भी चीज हमें थाली में परोस के नहीं मिलती, चाहे कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो उसका रिजल्ट जो होगा वो आप सब जानते हैं। और जो एक बच्चा बहुत मेहनत करके पढ़ाई कर रहा है उसको
जो रिजल्ट उसका जो टॉप में रहेगा वो भी सब जानते हैं। तो इसी तरह से आरसीएम था कि आरसीएम में शुरुआत में हमें इसमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, तो सर ने भी ये बिजनेस ज्वाइन किया और घर से जाना शुरू किया। जब वकालत के लिए जाते थे तो 9-10 बजे जाते थे, शाम को 5 बजे आ जाते थे, बीच में लंच के लिए भी आ जाते थे। लेकिन अभी आरसीएम ज्वाइन करने के बाद क्या हुआ कि सुबह 6 बजे निकल जाते थे और रात को इनका आने का कोई टाइम फिक्स नहीं था। नई नई शादी हुई थी और हम गंगानगर में एक किराए के मकान में 2 कमरों के मकान में रहते थे, तो बहुत मुश्किल लगता था और बहुत मतलब मैं रोती भी थी बहुत बार। सर ने धीरे धीरे मेरे को समझाना शुरू किया आरसीएम के बारे में, पर मुझे समझ नहीं आता था क्योंकि मैंने बीसी सर की मीटिंग अटेंड नहीं की थी। फिर एक दिन इन्होंने मुझे बिठा के और प्यार से समझाया। इन्होंने कहा कि ये बिजनेस मुझे मिला है, मुझे पूरी तरह समझ आ गया है कि ये हमें जिंदगी की बहुत बड़ी कामयाबी दे सकता है। अब मुझे इसमें कामयाब होना और मैं होके रहूंगा, लेकिन अगर तू मेरा साथ देगी तो इस कामयाबी को हम बहुत जल्दी और बहुत बड़े लेवल पे अचीव कर सकते हैं। मुझे इनकी बात अच्छी लगी और इतने प्यार से कहा था तो मानना बनता था। मैंने भी इनके मीटिंग्स में जाना शुरू किया इनके साथ थोड़ा थोड़ा, और जब मीटिंग्स में माहौल में जब वो चीज बताई जाती है और वहां कई बार राजाराम सर आते थे, महावीर सर आते थे, तो उनको देख के धीरे धीरे बड़े लीडर्स की भी मीटिंग वहां पे बाहर के लीडर्स की होने लगी। उनकी बातें सुन के मेरा भी विजन क्लियर हुआ कि हाँ, ये बिजनेस जो है ये हमें कामयाबी के बहुत बड़े शिखर पे ले जा सकता है। और एक इसकी खास बात ये है कि इसमें अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हम खुद तो कामयाब होंगे ही, हम लोगों को कामयाब करने वाला भी बन सकते हैं। वकालत अगर हम करेंगे तो अपनी दाल रोटी चला लेंगे, लेकिन हम लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसी सोच के साथ हमने ये बिजनेस में काम करना शुरू किया। शुरू में जब हमारी इनकम नहीं थी तो हम घर से पैसे लेते थे, कभी सर की मम्मी देती थी, कभी मेरी मम्मी देती थी, और हम परमात्मा के शुक्रगुजार है कि मतलब हमें ये सोच अंदर से दुख देती थी कि आज उम्र तो हमारी है कि हम अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करें, जब हम घर से आए तो हम अपनी इनकम में से कुछ उनको दे के आए, लेकिन आज हमारी मम्मियां हमें दे रही है, तो ये बात कहीं ना कहीं चुभती थी। और इसी बात ने हमें मोटिवेट किया कि हमें अपने दम पे कुछ करना है, और हमने आरसीएम में जी जान से काम करना शुरू किया। शुरुआत में मैंने सर का जब रॉयल्टी हुआ तो मैंने अपना फार्म उसमें लगा दिया, और थोड़े टाइम बाद मैंने भी सर के साथ काम करना शुरू किया, मीटिंग्स लेनी शुरू की, और धीरे धीरे इस बिजनेस को आगे बढ़ाते रहे। और आज ये मुकाम, आज ये लेवल है कि सर आरसीएम में स्टार रूबी लेवल पे है, आप सब उनको अच्छे से जानते हैं, और मैं इस सिस्टम में रूबी लेवल पे हूँ, और एक अच्छी इनकम मेरी हर महीने मेरे अकाउंट में आती है। और आज क्या है कि मेरी जिंदगी में सिर्फ मजे ही है, आज मेहनत नहीं है। शुरुआत में हमने मेहनत की थी, आरसीएम में प्रोडक्ट्स नहीं आते थे, तो मतलब ये जो शर्ट जो जेंट्स की होती है उसका मैंने सूट बनवा के पहना है बहुत, और ये सब चैलेंजेस हमने देखे हैं। घर वालों ने भी शुरू में बहुत रोका था क्योंकि अच्छी जमीन जायदाद थी, और जाटों में ये होता है कि मतलब घर घर जाके तेल साबुन बेच रहा है, तो बहुत रोकते थे भैया इनको। जब भैया की बात नहीं माननी तो भैया ने मेरे पापा को बोला कि मेरी तो नहीं मान रहा, आपकी शायद मान ले, आप समझाओ। पापा ने भी बहुत समझाया, लेकिन हम इसमें रुके नहीं और लगातार लगे रहे सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए, और आज इस मुकाम पे है। आज हर तरह की सुख सुविधा है, कहीं हम जहां हम रहते थे कि 2 कमरों के किराए के मकान में गंगानगर में रहते थे, आज जयपुर में हम रह रहे हैं, एक पोश एरिया में रह रहे हैं, हमारे बच्चे बहुत बढ़िया स्कूल में पढ़ रहे हैं, और करोड़ों का ये जो हमारा फ्लैट है आज है, इसकी मतलब वैल्यू, तो ये सब आरसीएम ने हमें दिया है। पहले हमारी मम्मियां हमें पैसे देती थी, और आज ये है कि घर के मतलब हर बच्चे की पढ़ाई का खर्चा हमने उठाया है, चाहे वो भैया के हों, दीदी के हों, तो वो हमने अपनी खुशी से उठाया है। उन्होंने नहीं कहा कि आप उठाओ, लेकिन हमें लगा कि हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनके लिए करें, तो हमने उनके लिए सब किया है। आज हमारे बच्चे अच्छे अच्छे लेवल पे, अच्छे अच्छी जॉब्स में हैं, ये सब आरसीएम की देन है। अदरवाइज हो सकता है कि अगर हम सिर्फ वकालत कर रहे होते तो अपनी दाल रोटी मुश्किल से चलती, तो बच्चे गांव में अगर रहते तो इतनी बड़ी कामयाबी नहीं ले पाते। बच्चे मेरे पास यहाँ जयपुर में रह के पढ़े हैं, तो वो आज बहुत बड़े लेवल पे है, अच्छी कोचिंग उनको मिल पाई है। हमारी बिल्डिंग में जब हम रहते थे तो हमारे इस फ्लैट में सबसे ज्यादा लोग, हम 10 लोग तक रहते थे, तो सारे बिल्डिंग वाले ऐसे बात करते थे कि ये क्या है, आप लोग इतने कैसे रह लेते हो। तो आज जब वो सब कामयाब है तो आज हमें अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है कि हमें आरसीएम ने वो ताकत दी कि हम कुछ कर पाए। तो ये ताकत आप लोगों के पास भी आ सकती है। शुरुआती सालों में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के बिना कुछ नहीं होगा।
एक छोटी सी स्टोरी मैं बताना चाहूंगी कि एक मटका बनाने वाला इंसान मटके बनाता है कच्ची मिट्टी के और फिर उनको तपाने के लिए भट्टी में डालता है। तो कुछ मटके ऐसे होते हैं जो उस जो आग जो होती है उसकी तपन से डर के और पीछे की साइड में हो जाते हैं और वो बाकी मटके जो आगे की तरफ थे वो जो जल रहे थे तो उनसे ऐसे उसका मजाक उड़ा रहे थे कि देखो तुम क्यों जल रहे हो, हमारी तरह तुम भी पीछे आ जाओ तो आग से बच जाओगे। लेकिन वो मटके आगे ही रहे। कुछ टाइम बाद जब वो पक के और उस भट्टी को जब खोला गया और उन मटकों को निकाला गया तो जिन मटकों उनने वो तपन सही थी, वो गर्मी सही थी, उनमें जब पानी डाला गया तो वो पानी ठंडा हुआ, वो खुद भी ठंडे हुए, खुद भी उनकी खुद की आत्मा भी तृप्त हुई और जिन लोगों ने वो ठंडा पानी पिया उनकी भी आत्मा तृप्त हुई। और जो मटके उन उस तपन उस आग से डर के पीछे हो गए थे उनमें पानी डालते ही वो पिघल गए। तो इस कहानी से हम मैं यही बताना चाहूंगी कि जो मेहनत करेगा, जो उस प्रॉब्लम को झेलेगा, उसका सामना करेगा, वो कामयाब होगा और जो पीछे हो जाएगा वो जिंदगी भर कहीं ना कहीं लटकता रह जाएगा। तो शुरुआत के 2-4 साल आपको अगर आप खुल के मेहनत करते हो तो आज से हम आपको इतनी बड़ी कामयाबी दे सकते हैं जिसका आप सपना भी नहीं देख सकते। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड है, कुछ लोगों को ही इनकम आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो मेहनत करता है उसको इनकम आती है, जो इसको पूरा सीख के लगन से करता है उसको इनकम आती है। और ये हमें लोग बोलते हैं कि आप पहले जुड़ गए इसलिए, लेकिन आज भी जो लोग जुड़ते हैं और जो मेहनत करते हैं पूरी शिद्दत से वो कामयाब होते हैं। आपको मैं ये कहना चाहूंगी कि आपको इसको सीखना है। इसमें आरसीएम में बहुत छोटे छोटे काम करके हम बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां ले सकते हैं। और छोटे छोटे काम क्या है, बहुत बार आप लोगों ने सुना है, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि हमें इसमें जुड़ने के बाद सबसे पहले आपको इसके 100% प्रोडक्ट्स यूज करने पड़ेंगे। बहुत ही प्यारे प्यारे, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के, अच्छे सेहत देने वाले प्रोडक्ट हैं आरसीएम के। और उनको अगर जो पहनने की चीजें हैं उनको अगर आप पहनते हैं तो आप खूबसूरत लगते हैं, अगर आप मेकअप करते हैं तो आप मतलब आपकी स्किन पे वो अच्छा इफेक्ट देते हैं। मार्केट से अगर आप मेकअप करोगे तो एक बार तो आप सुंदर लगोगे लेकिन बाद में उनके साइड इफेक्ट होंगे। आरसीएम के प्रोडक्ट से ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस पे हमें मिल रहे हैं और उनके साथ हमें इनकम मिल रही है। तो हमें मुझे लगता है कि हमें इन प्रोडक्ट्स को 100% यूज करना चाहिए। मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि सभी महिलाएं पिकअप सेंटर पे जरूर जाएं, जब भी घर की खरीदारी करनी हो महिलाएं जाएं, क्योंकि पुरुषों को पता ही नहीं होता कि घर में क्या क्या सामान यूज हो रहा है। हम उनको अगर एक चीज बताएंगे तो वो एक ही लेके आएंगे, लेकिन अगर हम खुद जाएंगे तो वहां हम 10 चीजें देखेंगे और हम खरीद के लाएंगे, जिससे हमारा डायमंड क्लब जो है वो कंप्लीट घर के सामान मतलब कम ज्यादा ही प्रोडक्ट लेना पड़ता है हमें डायमंड क्लब से। और अगर आप डायमंड क्लब करते हैं तो उसके आपको बहुत से और बेनिफिट मिलते हैं। अपलाइन की आप नजर में रहते हैं, कंपनी लेवल पे भी आपका सम्मान किया जाता है। तो ये सब फायदे आपको हो सकते हैं और इसके प्रोडक्ट 100% आपको यूज करने चाहिए। हमारे राजस्थान में तो एक कहावत है कि जिसकी खाए बाजरी उसकी लगाए हाजरी। तो अगर हम आरसीएम का खाते हैं, आरसीएम की इनकम हम लेना चाहते हैं, आरसीएम में कामयाबियां लेना चाहते हैं तो हमें आरसीएम के ही प्रोडक्ट यूज करने चाहिए। बहुत ही शानदार है ये सूट मैंने पहन रखा है, इतना सुंदर है और इतना कंफर्टेबल है। और ये मेकअप जो मैंने कर रखा है, मैं तो अपने आप को देख रही हूँ यहाँ स्क्रीन पे, बहुत सुंदर लग रही हूँ। तो आप लोगों को भी ये प्रोडक्ट 100% यूज करना चाहिए। दूसरा है इसमें, दूसरा काम जो हमें करना है वो है इसको सीखना पड़ेगा। कोई भी काम करो आपको सीखना पड़ेगा। अगर किसी फौजी को भर्ती कर लिया जाए और उसको अगर ट्रेनिंग नहीं दी जाए, सिखाया नहीं जाए, या वो फौजी खुद सीखना ना चाहे, सीखे नहीं और उसको बॉर्डर पे भेज दिया जाए तो क्या वो जंग जीत सकता है? वो कफन में आएगा। लेकिन अगर उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देके प्रॉपर सिखा के उसको भेजा जाए तो वो जंग जीत के आएगा। इसी तरह से अगर डॉक्टर है उसको सिर्फ नीट का एग्जाम दिला के और ऑपरेशन करने भेज दिया जाए तो अगले बंदे को मारेगा वो, लेकिन अगर उसको पूरी 4 साल की ट्रेनिंग दी जाए तो उसके बाद वो दवाइयां देने लगता है, 2 साल और ट्रेनिंग दी जाए तो वो बड़े से बड़ा ऑपरेशन कर सकता है। इसी तरह से आरसीएम में भी आपको सीखना पड़ेगा, बिना सीखे आप कामयाब नहीं हो सकते। इसको सीखने के लिए आपकी जूम मीटिंग्स होती है, 7 बजे जय सर की होती है, सुबह TC सर की होती है और आपके रूपराम सर के हेड पे मीटिंग्स होती है, और भी आपके लोकल में जो ट्रेनिंग्स होती है, कोर स्टेशन हनुमानगढ़ है या बड़े बड़े स्टेशन पे बहुत से कोर लीडर्स आके आपको ट्रेनिंग देते हैं।
इसके अलावा जो कीसोल के प्रोडक्ट्स है उनके बारे में आपको पीक्यूसी में, और गामा के प्रोडक्ट्स की भी आपको ट्रेनिंग अलग से दी जाती है, न्यूट्रीचार्ज की ट्रेनिंग, इतनी सारी आपको सिखाने के लिए सब लगे पड़े हैं। बस सीखने का जज्बा आप में होना चाहिए और आप इसको सीख के करेंगे तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसमें हर चीज सीखनी है आपको, कैसे आपको वेल अप टू डेट होना है। अगर आप बिजनेस मैन है, बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको बिजनेस मैन की तरह दिखना पड़ेगा और उसी तरह से आपका व्यवहार, सब चीजें आपको सिखाई जाती है इस बिजनेस में, वो आपको सीख के इस बिजनेस को करना चाहिए, जिससे आपकी बहुत बड़ी कामयाबी आप ले सकते हैं। अगर बिना सीखे करोगे तो कुछ टाइम बाद आप थक जाओगे, हार जाओगे और घर बैठ जाओगे, और फिर कुछ साल बाद आप बोलोगे कि ये तो फालतू चीज है, आरसी हम तो नहीं, इसमें कामयाब नहीं होते, जबकि गलती हमारी होती है, सीखते हम नहीं है। हमारा बच्चा किसी स्कूल में पढ़ने जा रहा है और एक और बच्चा भी पढ़ने जा रहा है, दोनों बच्चे, अगर एक बच्चा बहुत पढ़ रहा है, हर टीचर की हर बात मान रहा है, नोट्स बना रहा है, सारे काम कर रहा है और घर पे भी टाइम रिवीजन कर रहा है, आगे नोट्स अपने जो है पढ़ रहा है, बार बार उनको रिवाइज कर रहा है, एक तो वो है, और दूसरा है कि ना टीचर की बात ध्यान से सुन रहा है, पीछे बैठ रहा है, मजे मस्ती कर रहा है, और फिर एक तो टॉप आता है और दूसरा फेल हो जाता है, तो फिर क्या हम कोई भी, मैंने आज तक किसी माँ बाप को, किसी को भी ये करते नहीं देखा कि स्कूल में जाके या पब्लिक में जाके ये बोले कि वो स्कूल तो फ्रॉड है। किसी ने बोला क्या? कोई नहीं बोलता, क्योंकि जो मेहनत करेगा वो कामयाब होगा और जो मेहनत नहीं करेगा वो नाकामयाब होगा। और हम अपने बच्चे को कहते हैं कि तूने मेहनत नहीं की इसलिए तू फेल हुआ। हम ये नहीं कहते कि टीचर्स ने पढ़ाया नहीं, क्योंकि उसी स्कूल का, उसी क्लास का अगर एक बच्चा टॉप किया है और दूसरा फेल हुआ है, तो गलती फेल होने वाले की है। आरसीएम में भी वही सिस्टम है, जो कुछ लोग बहुत बड़ी कामयाबियां लेते हैं, बहुत बड़े बड़ा सम्मान पाते हैं, और कुछ लोग कामयाब नहीं हो पाते, तो गलती जो कामयाब नहीं हो रहे उनकी है, क्योंकि वो इस सिस्टम को सीखते नहीं है, प्रॉपर काम नहीं करते हैं, इसलिए वो कामयाब नहीं हो पाते। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप प्रॉपर इसको सीखिए। इसके बाद आपको अगला काम करना है कि रोज काम करना पड़ेगा। अब रोज नहाते हैं, रोज खाते हैं, रोज सोते हैं, सारा काम। अब आप ये सोच लें कि नहीं, आज तो मैं नहा लेता हूँ, अगले 10 दिन मैं नहीं नहाता, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। अगर आज आप सोचें कि मैं आज खा लेता हूँ, आगे के 4-5 दिन तो नहीं खाता मैं कुछ, लेकिन ये नहीं हो सकता, रोज खाना पड़ेगा। इसी तरह से इस बिजनेस को भी रोज करना पड़ेगा। अगर रोज आप करेंगे, रोज आपको जो भी सिस्टम में सिखाया जाता है अपलाइन की तरफ से, आपको रोज प्लान दिखाने हैं, रोज आपको सेलिंग करनी है, रोज होम मीटिंग करनी है, रोज रिकॉर्ड रखना है कि कितना मेरा आज मैंने क्या क्या काम किया, शाम तक आपको देखना है कि आज मैंने जो कल टारगेट बनाए थे क्या आज मैंने वो पूरे किए, अगर नहीं पूरे किए कहाँ क्या कमी रही। तो आपके पास जितना भी फ्री टाइम हो, जो अपनी अदर जॉब वगैरह कर रहे हैं उनको करने के बाद आपको जो भी टाइम बचता है, और जो फुल टाइम है उनको तो फुल टाइम इस बिजनेस का रोज करना है। रोज रोज अगर करोगे तो आपकी जो स्किल है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगा, आप अच्छे से और अच्छे से सीख पाओगे, लोगों को और अच्छे से कन्विंस कर पाओगे। और बेरोजगारी, लोग रोते हैं कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी सिर्फ उनके लिए है जो कुछ करना नहीं चाहते। जो करना चाहते हैं उनके लिए बहुत से रास्ते हैं और आरसीएम उनमें से बेस्ट है। तो आप लोगों को इसको डेली करना चाहिए, डेली एक्शन लेके हर तरह से इसमें काम करना चाहिए, और अपना एक टारगेट बना के रखें हर महीने का। जब आप पिछले महीने अगर आपने 5,000 किया, तो इस महीने आपका उससे कुछ ना कुछ बढ़ के टारगेट होना चाहिए, क्योंकि बढ़ते क्रम में ही जब आप चलेंगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। अगर आपको बड़ी कामयाबी लेनी है, अगर आपको रूबी स्टार, रूबी सफायर, स्टार सफायर पे जाना है, तो आपको हर टाइम बढ़ते हुए इसमें करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप वही चीज हर महीने करते, अगर आप 5,000 का बिजनेस कर रहे हो, 10,000 का कर रहे हो, 1,00,000 का कर रहे हो, अगर हर महीने वही करते रहोगे 1,00,000 ही, तो कभी आप स्टार रूबी नहीं बन सकते। आपको अगर इस महीने आपने 1,00,000 का बिजनेस किया है, तो अगले महीने 2,00,000, 1,50,000, जितना आप बढ़ा सको उतना आपको बढ़ाते हुए करना है। और जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी हर चीज की संख्या बढ़नी चाहिए। आपका बिजनेस में आपकी ज्वाइनिंग्स की संख्या बढ़नी चाहिए, आपके होम मीटिंग्स की संख्या बढ़नी चाहिए, आपकी टीम में लीडर्स की संख्या हर महीने 1-8 बढ़नी चाहिए। तो बढ़ते हुए क्रम में अपना एक टारगेट लेके चले कि इस महीने जैसे ही बिजनेस क्लोज होता है, आप अपना पूरा डिटेल देखें अपने बिजनेस की कि पिछले महीने मेरा बिजनेस कैसा रहा, कितनी ज्वाइनिंग थी, कितनी सेलिंग थी, सब चीजों को नोट करें, और अगले महीने उसी 1 तारीख से ही टारगेट लें कि इस महीने मैं इससे कुछ बढ़ते क्रम में करूंगा। तो इससे आपका बिजनेस जल्दी ग्रोथ करेगा, नए नए लीडर्स आपको मिलेंगे,
और एक इसमें है कि आपको घर से निकलना पड़ेगा, क्योंकि घर की मिट्टी रोटी देती है और बाहर की कामयाबी देती है। ये सबने सुना है, आपने बहुत से बड़े बड़े मारवाड़ी लोगों का मैंने बहुत से देखा है कि जो अपने गांव शहर से निकल के किसी बड़े शहर में शिफ्ट हुए, और आज बड़ी बड़ी बिटला जी का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, वो पिलानी के थे और आज पिलानी में और बहुत से बिजनेसमैन हैं जो उनके साथ के थे, वो आज वहीं पे है और वो बोलते हैं कि नहीं हम अपने मिट्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज बिटला जी कहाँ पहुंच गए। तो इसी तरह से आप लोगों को भी निकलना पड़ेगा अपने एरिया से, अपना बिजनेस निकालिए, अपनी टीम को निकालिए, बाहर जाके मीटिंग्स लीजिए, जहां जहां भी आपकी ज्वाइनिंग होती है वहां प्रॉपर टाइम दीजिए वहां पे जाके, तो आपका बिजनेस वहां अच्छा बढ़ेगा। उसके बाद है कि आपको अपने रिलेशंस बहुत अच्छे रखने हैं टीम के साथ, अपलाइन के साथ, डाउनलाइन के साथ, हर तरह से रिलेशन। कहते हैं कि जब चार बर्तन एक साथ होते हैं तो वो खनकते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी बात पे हो सकता है मनमुटाव हो जाए, मनभेद हो जाए, मतभेद हो जाने चाहिए, मनभेद नहीं होने चाहिए। अगर आपको किसी चीज की कहीं से कोई शिकायत है तो उनको भूल के आगे बढ़िए और अपने रिलेशंस को, अपने जो है इनको मजबूत रखिए। जितने आपके रिलेशन मजबूत होंगे बिजनेस भी आपका उतना ही अच्छा ग्रोथ करेगा। और मेहनत करिए, मेहनत करने से आपको कामयाबी मिलेगी। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी कि आज हम अगर इस लेवल पे हैं, एक छोटे से शहर गंगानगर से एक दो कमरों के मकान से शुरू करके आज अगर हम यहाँ पहुंच सकते हैं, आज पूरे इंडिया में जहाँ जाते हैं लोग हमें पहचानते हैं, मान सम्मान मिलता है, माइक मिलता है बोलने के लिए, आज दुनिया तरसती है कि मेरी आवाज सुनो और हमें लोग बुला के सुनते हैं, तो ये आप लोगों के साथ भी हो सकता है। अगर हमारे साथ हो सकता है तो आप लोगों के साथ तो कई गुना बड़ा करके हो सकता है, क्योंकि आप तो बहुत बड़े बड़े महारथी हैं। हम तो सिंपल, मतलब मैं तो एक कहूँ कि इंट्रोवर्ट इंसान हूँ जो बहुत कम बोलती हूँ, तो मैं अगर आपको मोटिवेट करने के लिए आप मुझे बुला सकते हैं तो आपको तो कितना बड़ा स्टेज इस सिस्टम में मिल सकता है। सभी महिलाओं से मैं अनुरोध करूंगी कि आरसीएम आप लोगों के लिए ही बना है, आरसीएम के आप प्रोडक्ट पर नजर डालिए। ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो आप महिलाओं के यूज का नहीं है? घर के सारे प्रोडक्ट हमारी चॉइस के होते हैं कि घर में क्या कौन सा प्रोडक्ट यूज होगा, तो सारे प्रोडक्ट हमारे लिए है। टीसी सर महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए रात दिन प्रयास कर रहे हैं, अप्लायंस प्रयास कर रही है, बीसी सर ने एक एक बजे का जो प्रोग्राम भी रखा हुआ है सिर्फ महिलाओं के लिए, तो हर तरफ से, यहाँ तक कि देश के जो प्रधानमंत्री है मोदी जी वो भी महिलाओं को आगे बढ़ाने का मतलब नारा वो देते हैं कि महिला सशक्तिकरण होना चाहिए, और आरसीएम हमें इतना अच्छा मौका दे रहा है, हम घर से इस बिजनेस को कर सकते हैं, तो हमें ये बिजनेस दिल से करना चाहिए। और जिनको लगता है कि मैं बाहर जाके ये बिजनेस नहीं कर सकती, तो हमें अपने हस्बैंड्स की, अपने भाई की या पापा की, जो भी इस बिजनेस को कर रहे हैं, उनका सपोर्ट करना चाहिए प्रॉपर तरीके से। हमें उनकी ताकत बनना है, कमजोरी नहीं। आज जय सर जब शुरू में जाते थे घर से बाहर तो मैं रोती थी, रोते हुए छोड़ के जाते थे, और आते थे तो रोते हुए मिलती थी। महावीर सर आते थे और उनको लेके जाते थे तो मेरे को महावीर सर बहुत बुरे लगते थे, आज हम हंसते हैं, लेकिन उस टाइम मैं बोलती थी कि महावीर सर मेरी सौतनी बन गए हैं। तो आज भी जय सर जाते हैं महीने में 20-22 दिन बाहर रहते हैं, लेकिन अब मुझे ये समझ आया है कि उनका बाहर रहना जरूरी है। आज हम तो कामयाब हो गए हैं, हमें तो इनकम आ रही है, लेकिन अगर जय सर घर बैठ जाए तो हमारी टीम में बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद कामयाब ना हो पाए, तो उनके लिए जय सर बाहर जाते हैं, घूमते हैं। अभी भी पीछे 16 तारीख से गए हुए हैं, अभी 2-4 दिन और लगेंगे उनको, और पीछे की जो भी जिम्मेदारी है घर की, चाहे वो बच्चों की है, घर की है, परिवार की है, रिश्तेदारी की है, वो सब मेरी है। घर पे फोन करना है या घर से कोई आ जाता है तो उसको अटेंड करना है, बच्चों के स्कूल जाना है। पीटीएम में सर कभी नहीं गए बच्चों के पीटीएम में, क्योंकि होते ही नहीं है। जब भी पीटीएम लगभग सैटरडे को होती है और सैटरडे संडे तो सर बाहर ही होते हैं, तो टीचर्स ने कभी इसके पापा को देखा ही नहीं है शुरू से लेके आज तक, और ये भी भूल जाते हैं कि बच्चे कौन सी क्लास में है। तो वो सब जिम्मेदारियां मेरी है, क्योंकि अभी बच्चों की पढ़ाई का थोड़ा टाइम है, मैं बाहर नहीं जा पाती, तो घर की जिम्मेदारी 100% मेरी है और बाहर की जिम्मेदारी उनकी है। तो इस तरह से भी हम अपने हस्बैंड्स को सपोर्ट कर सकते हैं घर से भी। तो मैं यही इस सब शुभकामनाओं के साथ आप लोगों को कहती हूँ कि आप लगातार लगे रहिए लगन से और बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां लीजिए,
और मेरे स्पीच में अगर कहीं कुछ गलतियां हुई है तो माफ कीजिए, जैसा कि मैंने